जाना हुआ चीज है ना, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, उसको आरक्षण पसंद नहीं है। अब बिहार में जाति आधारित गणना हुई, उसके आधार पर जो आबादी के हिसाब से नए आरक्षण की नीति बनी। अब 50% की रेखा सीमा तो पार कर गए आरक्षण में, जब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को, जिसको ये फॉरवर्ड क्लास को जब 10% का आरक्षण दिया गया, तो 50% से तो 60% हो गया। तो अब 60% हो गया तो आबादी के हिसाब से हम लोग का आधार है, जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराई, सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, और उस उन आंकड़ों के आधार पर ही ना आरक्षण हम लोगों ने दिया है, तो उसकी तथ्य जितने हैं उससे संबंधित वो न्यायालय में देंगे। न्यायालय में तो ये जाते ही रहते हैं भाई, नगर निकाय का चुनाव रुकवाने के लिए न्यायालय में गए, नगर निकाय का चुनाव हो गया कि नहीं हुआ, आरक्षण व्यवस्था के साथ चुनाव हुआ। दोबारा जो जाति आधारित गणना के विरोध में ये लोग खड़ा थे कि नहीं खड़ा थे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए गए, सॉलिसिटर जनरल जाके वहां बहस किए, तभी जाति आधारित गणना हुआ कि नहीं हुआ। इनको लड़ना है लड़ें, हम लोग जो अगर मुकदमा करेंगे तो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेगी राज्य सरकार। ये दरभंगा एम्स को लेकर लगभग फाइनल हो गया, केंद्र ने मंजूरी दे दी है कि वहीं पे बनाएंगे जहां पे आप लोग नहीं दे रहे थे, इसका एक केंद्र वापस अड़ी के केंद्र। अब उनके पास उपाय क्या है, इसलिए कि दरभंगा का जो आज शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी करने दरभंगा के हैं, तो दरभंगा का जो वर्तमान मेडिकल कॉलेज है उसी का इतना भारी विकास हो रहा है वहाँ, तो अब इनके पास क्या उपाय है। ये ड्रामा करते हैं, इनकी इनको विकास के प्रति इनकी कोई रुचि नहीं है और विकास के प्रति करना भी नहीं। अभी 3 दिसंबर को चुनाव होगा ना, पता चल जाएगा उनको कि कहाँ क्या हो रहा है, कितना भारी उनकी लोकप्रियता है। अरे जुमलेबाजी करना और देश चलाना दोनों में बहुत अंतर है। देश चलाने के लिए गंभीरता से सोचना पड़ता है, गंभीरता से नीति बनानी पड़ती है, गंभीरता से उसको कार्यान्वित करना पड़ता है, और जुमलेबाजी करने के लिए तो कोई भी कहीं जुमला बोल देगा, जुमला बोल के निकल गया, हवा हवाई है। तो आज तक जो सरकार 9 साल से चल रही है केंद्र में, वो तो जुमलेबाजी की सरकार है ना। कौन सा कार्यक्रम है उनका जो सर जमीन पर धरातल पर आम लोगों तक पहुंचा है, ये बताए भाई। उनका उज्ज्वला योजना फेल कर गया, उनका आयुष्मान भारत फेल कर गया, आयुष्मान भारत में सीएजी ने जो रिपोर्ट दिया है वो सब सबके सामने है। उज्ज्वला योजना में जाके सर्वे कर लीजिए, आप लोग पत्रकार हैं भाई, छापेगा नहीं कोई दिल्ली में, लेकिन अपने ज्ञान के लिए भी तो सर्वे आप लोग कर सकते हैं ना। अभी जो नेशनल और स्टेट लेवल का चैनल है वो तो नहीं चलाएगा, इसलिए कि लोग आप लोग भेजिएगा भी यहाँ से, तो वो चलने नहीं देगा वहां से, वो चलाएगा उसमें कोई जो नकारात्मक बात है वही करेगा। अब क्या हुआ भाई, जिन जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी की जो बात कर रहे हैं, किसी चैनल ने चलाया क्या कि जितने वक्ता उतने श्रोता? एक भी चैनल ने नहीं चलाया कि जितने वक्ता थे उतने ही श्रोता थे। चैनल ने चलाया क्या कि नित्यानंद राय जी ने कहा कि जेडीयू में टूट हो जाएगी? अरे बिलाई के भाग से सिक्का टूटता है। तो मुगालते में रहिए, जनता इसी तरह भाग रही है, तो इसलिए कोई योजना नहीं है केंद्र की सरकार के पास, कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।